नमस्ते अंकमित्र एबेकस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जब भी कोई स्टूडेंट एबेकस क्लास को एडमिशन लेता है तो सबसे पहले शुरुआत यानी कि लेसन नंबर वन जो होता है वो होता है नंबर्स एबेकस पे आइडेंटिफाई करना या नंबर्स एबेकस पे हम कैसे ले सकते हैं वो सीखना। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं वही सब सिखाने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं पेपर पर मैंने वही लिखा हुआ है, लेसन नंबर वन, हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर्स ऑन द एबेकस। तो एबेकस इंस्ट्रूमेंट जो है वो अभी अलग अलग साइजेस के होते हैं। मेरे पास यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि 13 रॉड्स है। ये अगर रॉड्स इंडिविजुअली हम काउंट करें तो 13 रॉड्स है इस एबेकस पे। कुछ बच्चों के पास 17 रॉड्स हो सकते हैं, कहीं 15 रॉड्स हो सकते हैं, या कहीं छोटे 11 रॉड्स या 7 रॉड्स के भी हो सकते हैं। मेरे पास 13 रॉड्स का है। अभी कितने रॉड्स है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि हम इतने बड़े नंबर्स पे काम नहीं करते। एक रॉड जो है वो एक प्लेस वैल्यू को दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जैसे हम वन डिजिट नंबर होगा तो वो यूनिट्स प्लेस पे होता है, जब टू डिजिट नंबर का काम होता है तब हम उसे टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस पे लिखते हैं, जब थ्री डिजिट नंबर होता है तो उसमें एक हंड्रेड्स प्लेस भी आ जाता है। तो ऐसे जैसे प्लेस वैल्यू रहता है, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, तो एक रॉड जो है वो एक प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इतने 13 रॉड्स का हम 13 रॉड्स के लिए 13 डिजिट्स का नंबर इतना हम लोग बड़ा तो करने वाले हैं नहीं। तो शुरुआत करते समय सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हर रॉड पे ऊपर के लाइन में एक ही बीड है। ओके, एक इंडिविजुअल बीड आप देख सकते हैं यहाँ पे हर रॉड पे, और नीचे के पार्ट में ये बीच में का जो बार है उस बार के नीचे का जो पार्ट है उस पे हम देख सकते हैं कि चार बीड्स है इंडिविजुअली। ओके, हर रॉड पे चार बीड्स है। तो अभी हर रॉड पे हर डिजिट को यानी कि जीरो से लेके नाइन तक हमें सारे डिजिट्स कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सबसे पहले हम सीखेंगे। अभी इन 13 रॉड्स में से किसी एक रॉड को हम सबसे पहले यूनिट्स प्लेस का रॉड फिक्स करते हैं। ज़्यादातर क्लासेस पे आप देखेंगे कि सबसे मिडिल वाला जो वाइट डॉट आप देखते हैं यहाँ पे, जो सेंटर जो बार है इस बार पे कुछ वाइट डॉट्स दिख रहे हैं आपको, तो इनमें से जो सबसे मिडिल वाला जो वाइट डॉट होता है, ओके, सो ये वाला जो वाइट डॉट है वो सबसे बीच वाला वाइट डॉट है, तो उस रॉड को नॉर्मली हम यूनिट्स प्लेस का रॉड फिक्स करते हैं। ओके, सो ये रॉड अगर हमारा यूनिट्स प्लेस का रॉड हो जाता है तो उसके बाजू वाला रॉड टेंस प्लेस हो जाएगा, उसके एक बाजू वाला रॉड हंड्रेड्स प्लेस हो जाएगा, फिर थाउजेंड्स प्लेस। इस तरीके से प्लेस वैल्यू फिक्सअप हमने कर दिए। तो सबसे ज़्यादा काम जब हम वन डिजिट, टू डिजिट और थ्री डिजिट का करेंगे तो सबसे ज़्यादा काम इन तीन रॉड्स पे होने वाला है, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। अभी कुछ लोग पूछते हैं कि फिर बाकी रॉड्स का क्या काम है। तो बाकी रॉड्स का काम आगे के लेवल्स में आता है, जब हम डिवीजन करते हैं एबेकस पे तब हमें ज़्यादा रॉड्स की ज़रूरत पड़ती है, या डेसिमल नंबर्स करेंगे तब हमें ज़्यादा रॉड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बाकी रॉड्स उस वक्त के लिए रिजर्व रह जाते हैं। मेजॉरिटी काम जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का जो होता है वो मेजॉरिटी काम इन यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस, यानी कि ये तीन या चार रॉड्स पे सबसे ज़्यादा काम होने वाला है। अभी हर प्लेस वैल्यू पे जैसे हम नंबर्स लिखते हैं, हर प्लेस वैल्यू पे जीरो से लेके नाइन तक हमें डिजिट्स रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो हम यूनिट्स प्लेस पे अभी शुरू करते हैं, वन डिजिट नंबर्स हम कैसे ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में नीचे के सारे बीड्स नीचे है यानी कि इस बार को कुछ भी टच नहीं कर रहा है, और ऊपर के सारे बीड्स भी उस बार से दूर है यानी कि ऊपर है। ओके, ऊपर के सारे बीड्स ऊपर, नीचे के सारे बीड्स नीचे, तब इस एबेकस का वैल्यू ज़ीरो है। ओके, इस एबेकस पे जो नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फिलहाल ज़ीरो है क्योंकि कोई भी बीड इस बार को टच नहीं कर रहा है। अभी जब मैं नीचे से एक बीड ऊपर ले लेता हूँ और उसको यूज़ में लेता हूँ और बार को अभी टच कर रहा है तब उसको काउंट किया जाएगा और ये हो जाएगा हमारा नंबर वन। ओके, ये वन दिख रहा है अभी एबेकस पे। और एक बीड ऊपर ले लेंगे, दो बीड्स अभी यूज़ में आ गए, अभी हमारे पास नंबर जो एबेकस पे है वो है टू। एक और बीड ले लिया, अभी थ्री हो गया। एक और बीड ले लिया, अभी फोर हो गया। अभी फोर से ज़्यादा बीड्स तो हमारे पास नीचे है नहीं, तो फोर से आगे के जो नंबर्स है उनके लिए सिर्फ नीचे के बीड्स यूज़ करके तो कुछ होने नहीं वाला। तो उसके लिए हम कैसे यूज़ कर रिप्रेजेंट कर सकते वो देखते हैं। अभी अभी नीचे के चारों बीड्स यूज़ हो चुके हैं, फाइव के लिए हम क्या करें।
तो हम फाइव के लिए जो ऊपर का वाला जो बीड रहता है ना, उस अकेले बीड को हम फाइव काउंट करते हैं। सो नीचे के बीड्स मैंने सारे निकाल दिए और ऊपर का ये एक बीड मैंने नीचे ले लिया, तो अभी ये यूज़ में आ गया। जब भी ये बीड नीचे आ करके हम बार को टच करते हैं तब उसको काउंट किया जाता है। तो अभी ये ऊपर वाला बीड मैंने यूज़ में लिया है तो उसको फाइव काउंट किया जाएगा। सो ऊपर का जो अकेला बीड है उसको फाइव काउंट होता है। फाइव के आगे के नंबर्स के लिए उस फाइव में मैंने नीचे से मैंने वन ऐड कर दिया। ध्यान रखिए सेम रॉड पे मैं काम कर रहा हूँ, ओके। जो यूनिट्स प्लेस का रॉड है उसी रॉड पे मैंने ये सारे बीड्स का मूवमेंट अभी तक किया है। सो अभी मेरे पास एबेकस पे मैंने ऊपर का फाइव वाला बीड और नीचे का वन वाला बीड मैंने यूज़ में लिया है। तो अभी हमारे पास जो नंबर एबेकस पे है वो है 5+1 यानी कि 6। अभी एक और बीड मैंने नीचे से ले लिया तो 5+2 हो जाता है 7। एक और बीड ले लिया तो 5+3 हो जाएगा 8। और एक और बीड ले लिया तो अभी सारे के सारे बीड्स अभी यूज़ में आ गए। तो ऊपर का 5 नीचे के 4 यानी कि टोटल जो नंबर हमारे पास एबेकस पे है वो है 9। सो इस तरीके से वन डिजिट के सारे नंबर्स हम एबेकस पे 0 से लेके 9 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ आपको वन डिजिट के सारे नंबर्स। स्टार्टिंग में कुछ भी इस बार को टच नहीं कर रहा है तब नंबर है 0। नीचे से मैंने एक बीड ले लिया 1, एक और ले लिया 2, एक और ले लिया 3, एक और ले लिया 4 हो गया। 4 के आगे के नंबर्स के लिए हमें ऊपर का बीड यूज़ करना पड़ता है। मैंने नीचे के सारे बीड्स निकाल दिए, सिर्फ ऊपर का बीड काम में लिया है। तो ऊपर का ये इस अकेले बीड की वैल्यू होती है 5। सो ये हो गया 5। 5 के बाद वाले नंबर्स के लिए ऊपर का बीड तो काम में आएगा ही, उसके साथ में नीचे के बीड्स भी आएंगे। सो ये 5 के साथ में मैंने नीचे से 1 जोड़ दिया तो वो हो गया 6। एक और जोड़ दिया तो ये होता है 5+2 यानी कि 7। एक और 5+3 यानी कि 8। और एक और जोड़ दिया तो 5+4 यानी कि 9 हो गया। अभी सपोज हमें 2 डिजिट नंबर्स की तरफ जाना है, तो 2 डिजिट नंबर्स यानी कि हमारे पास टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस इन दोनों पे अभी काम करना पड़ेगा। सो सपोज हमें 2 डिजिट नंबर लेना है कोई 34। सो 34 नंबर टेंस प्लेस पे हमें 3 लेना पड़ेगा। सो टेंस प्लेस का रॉड कौन सा है हमारा? यूनिट्स प्लेस के बाजू वाला, लेफ्ट वाला रॉड। सो यूनिट्स प्लेस के इमीडिएट लेफ्ट वाला रॉड हमारा टेंस प्लेस का रॉड है। इस रॉड पे मैंने 3 ले लिया और यूनिट्स प्लेस के रॉड पे मैंने 4 ले लिया, तो ये नंबर हो जाता है 34। जैसे हम पेपर पे लिखते हैं 34, वैसे ही एबेकस पे भी दो बाजू वाले रॉड्स पे हमें ये 3 और 4 लेना है। सो ये हमारा टेंस प्लेस का रॉड है और ये हमारा यूनिट्स प्लेस का रॉड है। सो मैंने टेंस प्लेस पे 3 ले लिया, यूनिट्स प्लेस पे 4 ले लिया, तो नंबर हो जाता है 34। अभी सपोज मुझे नंबर लेना है 12। सो 12 के लिए मुझे टेंस प्लेस पे 1 लेना पड़ेगा और यूनिट्स प्लेस पे 2। सो ये हो गया 12। सपोज अभी मुझे नंबर लेना है 28। अभी 28 के लिए मुझे टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट चाहिए? वो है 2। यूनिट्स प्लेस पे मुझे चाहिए 8। सो 8 के लिए हम कैसे 8 लेते हैं? 5 से बड़ा कोई भी नंबर लेना होगा तो हमें ऊपर के बीड का यूज़ करना ही पड़ता है। सो 8 के लिए मैं ऊपर से 5 नीचे से 3 ले लूँगा तो ये हो गया 8। सो अभी टेंस प्लेस पे 2, यूनिट्स प्लेस पे 8 यानी कि नंबर हो गया 28। सपोज अभी मुझे 94 ये नंबर लेना है, तो 94 के लिए मुझे टेंस प्लेस पे 9 करना पड़ेगा। सो टेंस प्लेस पे 9 करने के लिए मैं ऊपर से 5 नीचे से 4 यानी कि ये 9 अभी टेंस प्लेस पे कर दिया। यूनिट्स प्लेस पे मुझे 4 चाहिए तो सिर्फ नीचे के 4 बीट्स काम में आएंगे। अभी हमारे पास एबेकस पे जो नंबर दिख रहा है वो है 94, क्योंकि टेंस प्लेस पे हमने 9 लिया है और यूनिट्स प्लेस पे हमने सिर्फ 4 लिया है। सपोज मुझे नंबर लेना है 17। सो टेंस प्लेस पे मुझे 1 लेना है सिर्फ और यूनिट्स प्लेस पे मुझे 7 लेना है, तो 7 के लिए मैं ऊपर का 5 नीचे से 2 ऐड कर दूंगा, तो वो हो गया 7। तो पूरा नंबर जो एबेकस पे अभी दिख रहा है वो है 17। ओके, सो इसी तरीके से 2 डिजिट नंबर्स का हो गया, जहाँ पे हम टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस दोनों रॉड्स पे काम करते हैं। सारे 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हम हर रॉड पे सेम तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जैसे मैंने वन डिजिट नंबर के केस में आपको 0 से 9 तक सारे डिजिट्स आपको दिखाए थे, उसी तरीके से 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स टेंस प्लेस पे भी, हंड्रेड्स प्लेस पे भी, थाउजेंड्स प्लेस पे भी सेम तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अभी सपोज हमें थ्री डिजिट नंबर दिखाना है बैकस पे, लेट्स से हमें 236 ये नंबर दिखाना है। सो 236 ये नंबर हम एबेकस पे कैसे लेंगे, तो अभी हंड्रेड्स प्लेस से काम शुरू होगा। ये हमारा यूनिट्स प्लेस है, टेंथ प्लेस, और अभी ये हंड्रेड्स प्लेस, थर्ड रॉड जो है वो हमारा हंड्रेड्स प्लेस होता है। सो हंड्रेड्स प्लेस पे हमें 236 शुरू करना है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे मैंने 2 ले लिया, टेंथ प्लेस पे मैं 3 ले लूँगा, और यूनिट्स प्लेस पे मुझे 6 लेना है। जैसे ही नंबर 5 से बड़ा हो जाता है तो हमें 5 का ऊपर वाला बीड यूज़ करना ही पड़ता है, तो अभी 6 करने के लिए मुझे ऊपर से 5 और नीचे से 1, यानी कि अभी मैंने 6 ले लिया। सो अभी एबेकस पे हमारे पास जो नंबर दिख रहा है वो है 236। अगला नंबर सपोज हमें 752 ये लेना है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे मुझे 7 चाहिए, तो 7 के लिए मैं ऊपर से 5 नीचे से 2 ले लेता हूँ, तो ये हो गया 7 हंड्रेड्स प्लेस पे, यानी कि 700 वाला डिजिट हो गया। 52 अभी लेना है, तो टेंथ प्लेस पे मुझे 5 चाहिए, तो ऊपर का 5 ले लिया, वो काम हो गया। यूनिट्स प्लेस पे मुझे 2 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया यूनिट्स प्लेस का 2, यानी कि पूरा नंबर अभी हो गया 752। ओके, सो इसी तरीके से सपोज अभी एक और अभी नंबर दिखाता हूँ आपको, लेट्स से 3 और मैंने यहाँ पे ले लिया 8। अभी हम देख सकते हैं कि मैंने हंड्रेड्स प्लेस पे तो 3 ले लिया है और यूनिट्स प्लेस पे मैंने 8 ले लिया है, मैंने टेंथ प्लेस पे कुछ भी नहीं लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में टेंथ प्लेस पे मैंने जब कुछ भी नहीं लिया है तो वहाँ पे 0 होता है। ओके, सो थ्री डिजिट्स का मैंने नंबर लिया है हंड्रेड्स प्लेस से शुरू करके, तो इस नंबर को हम 308 यानी कि 308 ऐसे रीड करेंगे। ओके, कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं कि वो इस नंबर को शायद 38 कह दे, क्योंकि उनको सिर्फ 3 और सिर्फ 8 दिख रहा है, तो उसको वो 38 बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से रॉड पे वो 3 लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 जो लिया है वो है हंड्रेड्स प्लेस पे। ओके, सो वो 300 हो जाता है। टेंथ प्लेस पे मैंने कुछ भी नहीं लिया है इसलिए वहाँ पे 0 होता है, और यूनिट्स प्लेस पे मैंने 8 ले लिया है तो पूरा नंबर हो जाता है 308। सो एक और नंबर इसी तरीके से देखते हैं, लेट्स से मैंने ये ऐसा नंबर ले लिया है। अभी ये नंबर क्या होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे इसको ये 12 हो गया, लेकिन ये 12 नहीं, ये 120 है, क्योंकि मैंने 1 जो लिया है वो है हंड्रेड्स प्लेस पे, ये हमारा थर्ड रॉड यानी कि हंड्रेड्स प्लेस वाला रॉड है। 2 जो लिया है वो मैंने टेंथ प्लेस पे लिया है सेकंड रॉड पे, और यूनिट्स प्लेस पे मैंने कुछ भी नहीं लिया है तो यहाँ पे 0 है। तो ये नंबर जो एबेकस पे मैंने अभी लिया है वो है 120। ओके, सो उम्मीद है कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी यूजफुल लगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स में लिख दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपके साथ अगर जो कोई भी एबेकस पढ़ रहा हो, सीख रहा हो, नया नया ज्वाइन कर रहा हो, तो उसको ये वीडियो प्लीज़ दिखा दीजिए या शेयर कीजिए। थैंक यू।